जमीन से एक पत्थर उठाओ और उसे नीचे फेंक दो। पंछियों की तरह उड़ने का सपना तो शायद आपका पूरा ना हो, लेकिन पंछियों की तरह बात करना चाहते हैं तो संभव है। अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए दुनिया भर में लोग तरह तरह की लैंग्वेज और बोलियों का प्रयोग करते हैं। पंछियों और परिंदे भी अलग अलग तरह की आवाजें निकाल कर आपस में संवाद करते हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जहाँ लोग सीटी बजा कर अपनी बात कहते हैं, जिसे बर्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं ज्ञान सुबह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूनाइटेड नेशन की कल्चरल एजेंसी ने तुर्की के गिरोशिन प्रांत में बोली जाने वाली बर्ड लैंग्वेज को अपनी धरोहर सूची में शामिल किया और उसके संरक्षण की जरूरत बताई, जिसके बाद पूरी दुनिया का अट्रैक्शन इस यूनिक लैंग्वेज की ओर अट्रैक्ट हुआ। क्या है बर्ड लैंग्वेज? आसान शब्दों में कहें तो बर्ड लैंग्वेज तरह तरह की आवाज़ें खास तौर पर सीटियों की मदद से संवाद करने की कला है। यह आर्ट कोई 500 साल पुराना है। उस वक्त जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे, ऐसे में अगर पहाड़ी एरियाज में दूसरे छोर पर रहने वाले शख्स तक तुरंत कोई मैसेज पहुँचाना हो तो कैसे पहुँचाया जाए? इस प्रॉब्लम का हल टर्की के ऑटोमन एम्पायर के लोगों को प्रकृति से मिला। पंछियों को देखकर सुनकर इलाकों के लोगों ने अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज ईजाद की, जिसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ तरह तरह की सीटियां हैं। बर्ड लैंग्वेज हर एक सीटी का अलग अलग मतलब है। जैसे हाई पिच की वजह से सीटियां बहुत दूर तक सुनाई देती हैं, इसलिए लोगों को किसी तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए मीलों चलकर नहीं जाना पड़ता था या चिल्ला चिल्ला कर बोलना नहीं पड़ता था, बस कुछ सीटियां उनका मैसेज सामने वाले तक पहुँचा देती है, जैसा की आप वीडियो में देख सकते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही यह परम्परा को बनाए रखने के लिए सैकड़ों सालों से यह लैंग्वेज बोली जाती रही, लेकिन बदलते वक्त और मोबाइल फोन जैसे टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद बर्ड लैंग्वेज इस छोटे से इलाके से सिमटने लगी। सैकड़ों सालों तक परिवार के बड़े बूढ़े अपनी अगली पीढ़ी को ये कला सिखाते रहे, बट अब बर्ड लैंग्वेज जानने वाले होठे, जीभ और उंगलियों की मदद से अलग अलग तरीकों की सीटियां निकालने वाले लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और नई पीढ़ी इस प्राचीन आर्ट को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इसलिए अनोखी आर्ट धीरे धीरे खत्म हो रही है। बर्ड लैंग्वेज की बचाने की मुहिम चलाई गई। एक टाइम था जब स्पेन के कैनरी आइलैंड से लेकर मैक्सिको और ग्रीस के गांव तक बर्ड लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन आज इस भाषा को जानने वाले दुनिया में सिर्फ 10,000 लोग बचे हैं। ये अनोखी भाषा बची रहे इसके लिए स्थानीय गवर्नमेंट ने 2014 से प्राइमरी स्कूलों में बर्ड लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू करवा दी। इस कोशिश का नतीजा ये रहा कि टर्की के कुछ गाँव में लोगों ने बर्ड लैंग्वेज को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। तो आज के हमारे वीडियो यहीं पे खत्म होती है और हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सुझाव और शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक देखते रहिए ज्ञान सुबह।